तो गाइज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये नंबर आपको कुछ अलग लगेगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये है भारत नंबर। दोस्तों ये भारत नंबर बाइक है, मतलब आजकल जो भारत नंबर इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बंदे होते हैं जिनकी पोस्टिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए नंबर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो दो दो साल का होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर दो साल के बाद फ़ीस रिन्यू की जाती है, इसकी फ़ीस जमा करनी होती है। एक साथ में 15 साल का नहीं होता है जैसा कि पहले आम गाड़ियों का होता है, आज भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा यूपी एमपी एमएच, तो इस तरह से इसका चक्कर नहीं है। दोस्तों ये भारत नंबर गाड़ी है, भारत नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 23 का मतलब है कि ये 2023 की रजिस्टर है। BH मतलब है कि ये भारत नंबर है, पूरे इंडिया में आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको लेकर जाते हैं, बट डिसिप्लिन से ही चलाएं, हेलमेट वगैरह पहने और गाड़ी के कागज़ सही रखें। यहाँ 4 डिजिट इसकी जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों की होती हैं, और यहाँ पर जो लेटर है वो बाद में दिया है, जबकि नॉर्मल गाड़ी में होता है जैसे मान लीजिए UP 85 BA या CD या जो भी होता है उसके बाद ये नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा अलग है। तो गाइज़ ये नंबर जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए इशू होता है आजकल, और उनको दिया जाता है ताकि जो बंदे हैं वो ड्यूटी स्टेशन जब उनका बदली होता है, बदल जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्यूटी करने जाते हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये भारत नंबर जो है इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, और काफ़ी अच्छा है। बट गाइज़ थोड़ा महंगा भी रहता है, जैसे कि नॉर्मल अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस बुलेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 25-26 हज़ार रुपये का लगता है 15 साल के लिए, बट यहाँ पर क्या है कि हर 2 साल में ये रिन्यू कराना पड़ता है। फर्स्ट टाइम हमने गाड़ी खरीदी तो हमसे 5 हज़ार रुपये लिए थे, इवन 5 हज़ार गए नहीं थे, उसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह रहती है, जो शोरूम वाले हैं वो कुछ पैसे अपने एक्स्ट्रा ले लेते हैं आने जाने के फाइल चार्ज वगैरह लगा के, बट बाद में लगभग ये 3-3.5 हज़ार रुपये में हर 2 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। तो इस तरह से गाइज अगर आपको ऐसे नंबर की गाड़ी दिखती है तो उनको जो है कोशिश करें कि उनको मान सम्मान दें, क्योंकि वो हमारे देश के फ़ौजी होते हैं, चाहे वो आर्मी नेवी या एयरफोर्स के हों। तो आपको फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी दूंगा दोस्तों मैं, और आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि ये TP28 का मतलब क्या है, और गाड़ी पर ये टैंक पर नंबर है इनका क्या मतलब है, सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।